पास स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया है। सवाई मानसिंह अस्पताल में प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी को कोरोना वैक्सीन लगा करके अभियान का शुभारंभ किया गया है। चिकित्सा विभाग के मुताबिक दो कंपनियों के करीब 5,63,000 वैक्सीन डोज प्राप्त हुए हैं, जिसमें स्टेट वैक्सीन स्टोर जयपुर को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड के 4,43,000 और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 20,000 डोज मिले हैं। वहीं स्टेट वैक्सीन स्टोर उदयपुर को 1,500 डोज भी उपलब्ध कराए गए। राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन का वितरण दो स्थानों से किया जा रहा है। उदयपुर संभाग के जिलों में वैक्सीन का वितरण स्टेट वैक्सीन स्टोर उदयपुर से किया जाएगा, तो वहीं जबकि राज्य के अन्य संभागों के जिलों में वैक्सीन का वितरण स्टेट वैक्सीन स्टोर जयपुर से किया जा रहा है। वैक्सीन वितरण कार्य 14 जनवरी से किया जाएगा, तो दूसरी ओर वितरण के लिए सभी जिलों से वैक्सीन वैन, दो चालक व RCHO अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी और पुलिसकर्मी को संबंधित स्टेट वैक्सीन स्टोर बुलाया गया है। CMHO तमाम जिला कलेक्टर और तमाम अधिकारी और प्रदेशवासियों, लंबे समय से इंतजार था वैक्सीन का, जिस रूप में कोरोना महामारी ने प्रवेश किया देश के अंदर जनवरी के अंदर, केरला से, उसके बाद राजस्थान से, और अभी रघु शर्मा जी बता रहे थे आपको, आप सबके आशीर्वाद से, प्रदेशवासियों के सहयोग से सरकार ने कोई कमी नहीं रखी व्यवस्थाएं करने के अंदर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कोटा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की मिस्ड कॉल से गैस बुकिंग और नए गैस कनेक्शन के आवेदन सुविधा की शुरुआत की है। इस मौके पर बिरला ने कहा कि सरकार नागरिकों के जीवन को सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था जब लोगों को गैस कनेक्शन के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, सांसद विधायक से सिफारिश तक करवानी पड़ती थी, लेकिन अब एक मिस्ड कॉल देने पर मोबाइल पर एक लिंक आएगी और फॉर्म भरने पर 48 घंटों में नया गैस कनेक्शन जारी हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि इस सेवा के शुरू होने के बाद उपभोक्ता मिस्ड कॉल देंगे तो उनकी गैस बुक होकर के 24 घंटे में उनके घर भी पहुंच जाएगी। यह सब सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान का नतीजा है, जहां पर सूचना क्रांति का उपयोग करते हुए दिन प्रतिदिन के कार्यों को गति दी जा रही है। ओम बिरला ने यह भी कहा कि आज से कुछ वर्ष पहले धुएं के कारण महिलाओं के लिए खाना पकाना बड़ी मुश्किल का काम हुआ करता था। गर्भवती महिलाओं की स्थिति तो और भी अधिक खराब होती थी। धुएं के कारण उनके साथ गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता था, लेकिन अब उज्ज्वला योजना ने करोड़ों घरों तक सुरक्षित और स्वच्छ गैस पहुँचा दी है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारे यहाँ की महिलाओं को पहुँचेगा। श्रीगंगानगर के अंदर सर्द मौसम अपने चरम पर पहुंच गया है। यहाँ पर ठंड के तीखे तेवर बरकरार हैं। पूरे जिले में घना कोहरा भी छाया हुआ है और इसी वजह से विजिबिलिटी जबरदस्त घट चुकी है और वाहनों की रफ्तार भी थम सी गई हो। मौसम विभाग ने यहाँ पर येलो अलर्ट भी जारी किया और मौसम विभाग के मुताबिक गंगानगर में शीतलहर चल रही है। इसके कारण समूचे इलाके में हाथ कपकपाती वाली ठंड अभी भी बरकरार है। उत्तर भारत में फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते हुए तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट हो सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी थोड़ी कम हो गई, लेकिन मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है, तो उधर दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून के चलते हुए कई राज्यों में अगले 3-4 दिनों का बारिश की आशंका भी जताई गई है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जयपुर सहित 13 शहरों में नाइट कर्फ्यू फिलहाल अभी जारी रहेगा। इससे पहले राज्य सरकार ने 15 जनवरी तक
नाइट कर्फ्यू सहित कोरोना से बचाव की अन्य गाइडलाइंस भी जारी की थी। अब सरकार ने अगले आदेश तक इसको जारी रखने का फैसला लिया है और जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय ने ये आदेश जारी किए हैं। इसके तहत पहले की तरह रात को 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक यह कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकार ने फिलहाल जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर और गंगानगर जिले के शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू जारी रखने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार के अनुसार कोरोना संक्रमण को और बढ़ने से रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू को अभी जारी रखा जाएगा और कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। साथ ही इस दौरान बाजार भी बंद होंगे। आपको बता दूं, इस दौरान सभी 13 जिलों के शहरी इलाकों में स्थित बाजारों को रात को 8 बजे से पहले ही बंद कर दिया जाएगा। साथ ही किसी भी तरह से आयोजन पर रोक भी रहेगी और लोगों के किसी भी स्थान पर जमा होने पर भी पाबंदी रहेगी। राजस्थान की सभी तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की प्रक्रिया अगस्त माह तक पूरी हो जाएगी। राज्य में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत राज्य की 263 तहसीलों को ऑनलाइन करने का कार्य पूरा हो चुका है। राज्य की कुल 339 तहसीलों में से शेष बची हुई 76 तहसीलों को भी ऑनलाइन करने का काम शीघ्र पूरा होगा। मुख्य सचिव ने सचिवालय में आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्य सचिव ने कहा कि रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन इस तरह से किया जाए कि व्यक्ति के नाम से ही उसका राजस्व संपत्तियों का रिकॉर्ड सामने आ जाए। मुख्य सचिव ने तहसीलों में गिरदावरी की ऑनलाइन प्रक्रिया, स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन तथा पटवारी गिरदावरों की ट्रेनिंग के बारे में भी जानकारी ली है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि तहसीलदारों के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज का नियमित रूप से आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें और साथ ही उन्होंने राजस्व मंडल रजिस्ट्रार से कहा कि वे स्वयं जाकर के समय समय पर पटवार प्रशिक्षण शालाओं का निरीक्षण भी करें। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।